when L is infinite, yeah? Second case of inverse. Limit n tends to infinity. A n ले लिया. A n plus 1 by A n is equal to infinity. Infinity लिख दो या फिर L लिखा है तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको. L is infinite. ठीक है. मर्जी आपकी. या फिर डायरेक्ट ही यहाँ पर इनफाइनाइट तो फिर इस केस में आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n की पावर 1 बाय n भी क्या जाए l के ऊपर है ना जहाँ पर l आपका कोई इनफाइनाइट नंबर यही प्रूव करना पड़ेगा तो जो फर्स्ट केस में हमने प्रूव किया ना उसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का जो फर्स्ट केस हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में उसी का यूज करके इसका कर देंगे प्रूव देखो अगर ये लिमिट इनफाइनाइट है यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी a n प्लस 1 बाय a n अगर ये लिमिट इनफाइनाइट है बच्चों तो यहाँ से क्या लिख सकते हो अगर मैं ये लिख दूँ a n बाय a n प्लस 1 तो ये 0 आ जाएगी ना इस लिमिट का आंसर 0 आ जाएगा आपके पास है ना और जीरो तो क्या है फाइनाइट नंबर आवाज नहीं जीरो तो क्या है आपके पास फाइनाइट नंबर तो इसके लिए तो पिछला केस ही यूज हो जाएगा है ना किस तरह से करोगे यूज यहाँ से मैं लिख दूँ लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी 1 बाय ए एन प्लस 1 अपॉन 1 बाय ए एन लिख सकते हैं बच्चों इज इक्वल टू जीरो यही है आपके पास आपको यहाँ से अगर मैं कौन से सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट लगाऊँ फाइनाइट केस के लिए ये फाइनाइट आंसर आ रहा है ना तो उसका यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी 1 बाय a n की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू 0 यही आएगा फाइनाइट नंबर है ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी ना लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ लिमिट n tends to infinity 1 by a n की पावर 1 by n is equal to 0 और next step पे क्या लिख देंगे limit n tends to infinity a n की पावर 1 by n क्या जाएगा infinity ठीक है तो यहाँ से हम बोल देंगे कि limit n tends to infinity a n plus 1 by a n is equal to limit n tends to infinity a n की पावर 1 by n दोनों ही इनफिनिटी के इक्वल आ गए ठीक है जो कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट थी वो फाइनाइट अगर हमने एल फाइनाइट ले लिया उसके लिए प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में और अगर एल इनफाइनाइट लेके चले तो इस तरह से प्रूव अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवा देते हैं एक को मैं यहाँ तक आ गया यहाँ तक समझ आ गया उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या यूज की है कुछ ही सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट और फाइनाइट केस अगर ये लिमिट फाइनाइट ही एग्जिस्ट कर रही है तो जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था क्या प्रूव किया था अगर आपके पास एक ए एन सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की है ना सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स और साथ में क्या है आपके पास लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी a n प्लस 1 बाय a n और लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी a n की पावर 1 बाय n अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइनाइटली और इनफाइनाइटली है ना तो वो दोनों इक्वल होंगे और फाइनाइटली के लिए मैंने प्रूव करके दिखा दिया था तो यहाँ से अगर ये लिमिट फाइनाइट आएगी अगर ये लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो उस केस में ये मैं प्रूव कर चुकी हूँ तो यहाँ से जब मैंने ये लिमिट देखी तो ये लिमिट आ गई जीरो जीरो तो एक फाइनाइट नंबर है तो इस थ्योरम का यूज कर दिया मैंने इस थ्योरम का मैं यूज करूँगी तो देखो यहाँ से मैंने ए एन प्लस 1 की जगह पे क्या लिया 1 बाय ए एन प्लस 1 और इसकी जगह पे क्या लिया तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यहाँ पे क्या आएगा ए एन की जगह पे 1 बाय ए एन की पावर
यही आएगा, तो इसका यूज कर दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया और ये तो जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ए इन पावर वन बाई एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये जाती कोसी सेकंड थ्योरम होने में इम्पोर्टेंट थ्योरम है बच्चों, इस बस जो सिक्वेंस वाला चैप्टर है ना उसकी मेन थ्योरम है स्क्वीज प्रिंसिपल, कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर मिलेगी। ठीक है, वैसे भी आनी चाहिए पेपर में, आए या ना आए, पेपर में ना भी आई तो इन पे बेस्ट क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। इसका है ना कन्वर्स ट्रू नहीं है, द कन्वर्स ऑफ अ बोथ थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल ट्रू नहीं है, देख लेना एक बार और, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो करा देती हूँ। देखो एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन है ना बच्चों वो दिया हुआ है, यूजिंग कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स प्रूव दैट, ये दिया हुआ है आपके पास, यूजिंग कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n अपॉन n इज इक्वल टू 1 बाय, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो इस लिमिट का आंसर ये दिखाना है आपको, बट इसने ये बोल रखा है कि बाय यूजिंग कोशी सेकंड थ्योरम, अगर ये बोल दिया ना तो आपको कोशी सेकंड थ्योरम का प्रूफ मतलब यूज करना पड़ेगा और तब ये प्रूफ देना पड़ेगा इसको इसके। ठीक है, अब कोशी सेकंड थ्योरम लिमिट सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट देखोगे ना, स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास कि अगर आपके पास ए एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, सीक्वेंस है ना, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली है ना, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, देन ये दोनों के दोनों जो लिमिट होंगे ना ये इक्वल है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई, ये होती है आपके पास कोशी सेकंड थ्योरम। ठीक है, अब इसका यूज करके हम ये इससे इक्वल दिखाते, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पावर वन बाई एन है, अगर पावर वन बाई एन है तो ये बन जाए ए एन की पावर वन बाई एन, तो यूज कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो कंप्लीट की पावर तो वन बाई एन नहीं दे रखी उसने, तो मैं कंप्लीट की पावर वन बाई एन बना लूंगी, तो जो पावर वन बाई एन है उसको छोड़ के बाकी जो टर्म बच गई वो ए ना दे उसको ए मान लूंगी, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल बाई एन की पावर एन और कंप्लीट की पावर वन बाई एन लिख सकती हूँ, ये इसलिए लिखा था कि मैं इस थ्योरम का यूज कर सकूँ, ए एन की पावर वन बाई एन आ जाए और जो ये है ना इसको मैं ए एन बोल दूँ, ए एन बोल के इस लिमिट को मैं इजली फाइंड आउट कर सकती हूँ और ये लिमिट निकल गई तो इस लिमिट का आंसर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से लेट ए एन इज इक्वल टू ए एन क्या आ गया यहाँ से एन फैक्टोरियल बाई एन की पावर एन। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे इस लिमिट का आंसर निकालो, इस लिमिट का लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन ये लिमिट निकालो, ये लिमिट फाइंड आउट करोगे तो देखना यहाँ पे कर देते क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन क्या आएगा बच्चों यहाँ से एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन और फिर यहाँ से अपॉन एन फैक्टोरियल बाय एन की पावर एन, यही आएगा
है ना? Yes, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं? इन टू एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसको बोल दो आप इसको सुन लो, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी a n प्लस 1 बाय a n इज इक्वल टू, यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी ये है, देखो यहाँ पर है n फैक्टोरियल है ना, तो मैं इसको भी n फैक्टोरियल की टर्म में लिखना चाहती हूँ ताकि कैंसिल हो जाए, तो ये लिख सकते हैं n प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल अपॉन, देखो ये जो है n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है और यहाँ पर पावर है n है ना, तो मैं अलग अलग लिख सकती हूँ n प्लस 1 की पावर n इनटू n प्लस 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा n प्लस 1 की पावर n इनटू n प्लस 1, लिख सकते हैं बच्चों, फिर इसको लिख रहे हैं ये टर्म, ये क्या है n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, आप देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी यहाँ पर n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n, ठीक है? यहाँ से कर दू, यहीं पे कर दू, कंप्लीट की पावर एन आ गई ना, ये इसकी कंप्लीट की पावर एन, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, यहाँ से देखो एन बाई एन कॉमन निकाल रहे हो, क्या आ जाएगा ये इसकी पावर एन, एन से एन कैंसिल, ठीक है? और ये तो बच्चों स्टैंडर्ड लिमिट होती है आपके पास, एडवांस कैलकुलस में पढ़ के आए होंगे, अगर ये है और 1 प्लस 1 बाय n की पावर n हो ना आपके पास, उसका आंसर ही आता है, स्टैंडर्ड लिमिट है ये, अगर इसका प्रूव करना चाहते हो ना तो प्रूव भी कर सकते हो आसानी से, क्या करोगे y के इक्वल मान के फिर लॉग लेंगे और फिर सोल्व करोगे तो हो जाएगी सोल्व, ठीक है? और अगर ना भी सोल्व करना हो तो आप याद भी होना चाहिए ये, ठीक है? तो ये किसके इक्वल होता है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 by 1 plus 1 by n की पावर n है ना, और उसका आंसर तो यही है, तो यहाँ से 1 plus 1 by n की पावर n और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 by, ठीक है? इसका आंसर आ गया 1 by, यहाँ तक आ गया ना सबको समझ, इसका आंसर आ गया बच्चों 1 by, ठीक है? अब ए एन जो है हमारी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज तो है ही, देखना एक बार ए एन ये है ना, ये रे ए एन हमारे पास जो है एन फैक्टोरियल बाय एन ये है, तो ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस तो है ही ना, देखो ए वन क्या आएगा एन की पावर एन है ना, एन की पावर एन, ठीक है? एन वन पुट करोगे पहले तो क्या आएगा, वन फैक्टोरियल वन अपॉन वन की पावर वन वन, फिर टू पुट करोगे तो टू फैक्टोरियल अपॉन टू की पावर टू, सारी पॉजिटिव टर्म ही तो आएंगी जब एन नेचुरल नंबर में काउंट कर रहे हैं, ठीक है? तो सीक्वेंस की हर टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, तो उस केस में हम पोस्टी सेकेंड फेरोमोन लिमिट का यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन, इसके इक्वल होता है, और इस लिमिट का आंसर मैं निकाल चुकी हूँ वन बाई ई, तो इस लिमिट का आंसर भी क्या आ गया वन बाई ई बाई पोस्टी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है? और इस लिमिट का आंसर अगर मेरे पास क्या आ गया बच्चों, देखो यहाँ पर लिख देना भाई पोस्टी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल टू वन बाई ई, और अब ए एन की वैल्यू पुट कर दो, ए एन की वैल्यू क्या है एन फैक्टोरियल बाई एन की पावर एन और इसकी पावर वन बाई एन इज इक्वल टू वन बाई ई, ये किसके इक्वल आ गया लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एन फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन और यहाँ पर
एन की पावर एन की पावर वन बाई एन तो वो कैंसिल हो जाएगी, एन बच जाएगा इज इक्वल टू वन बाई, यही आपको प्रूव करके दिखाना था बाय यूजिंग कोसी सेकंड थ्योरम। ठीक है, इस तरह से आपको डिफरेंस करना आ गया समझ, नहीं दिखाई दिया पीछे वालों को यहाँ जब आगे समझ सबको या रिपीट करो एक बार। देखो हमें इस ये जो लिमिट है ना इसको प्रूव करके दिखाना है वन बाई, ठीक है, और बाई यूजिंग कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। अब कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट जो होती है उसकी स्टेटमेंट क्या है बच्चों कि एन अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, मतलब उसकी सारी की सारी टर्म्स जो है ना सीक्वेंस की वो पॉजिटिव है आपकी, ठीक है, एंड जो लिमिट है एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, ठीक है, तो उस केस में ये दो दोनों लिमिट्स जो आएंगी ना वो इक्वल होंगी, ये कोसी सेकंड थ्योरम में काम है, ठीक है, कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स ये है। अब आपको इसका यूज करके और ये प्रूव करके दिखाना है इस लिमिट का आंसर वन बाई ई लाना है, इसका यूज करें। तो अब देखो स्टेटमेंट में आपको क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में पावर वन बाई एन है, पावर वन बाई एन है, तो आप क्या बना सकते हो यहाँ से इजली, ये बन सकता है ए एन की पावर वन बाई एन, है ना, ए एन की पावर वन बाई एन, लेकिन ए एन की पावर वन बाई एन इसके अपोन में कोई टर्म नहीं है, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसकी पावर तो वन बाई एन है लेकिन एन की पावर नहीं है, नहीं है, तो हम कंप्लीट को इस तरह से लिखना चाहेंगे कि ए एन की पावर वन बाई एन लिखा जा सके, तो एन की पावर अगर मैं एन कर दूं और फिर उसकी पावर वन बाई एन लिख सकती हूँ ना इनको ऐसे, तो यहाँ से मैंने इस तरह से लिख दिया इसको, इसलिए लिखा था कि मैं इस थ्योरम का यूज कर सकूँ, तो यहाँ से ये क्या ले लिया मैंने ए एन, मान लिया लेट ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन की पावर एन, अब ए एन निकल गया हमारा, ए एन निकलने के बाद ये लिमिट निकाल लो यार, ये लिमिट निकाल लो, इस लिमिट का तो आंसर निकालना ही हमें, और किसकी हेल्प से, कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट की हेल्प से, तो उस थ्योरम का यूज कब होगा, जब आप इसकी वैल्यू निकाल लो और कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से आप ये कह दो कि ये इसके इक्वल है और फिर इसका आंसर भी वही आ गया, तो आपको ये लिमिट निकालनी पड़ेगी, ये लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो ए एन की वैल्यू तो आ ही चुकी है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन, इसकी वैल्यू निकाल ली आपने, ये वैल्यू तो बच्चों एडवांस कैलकुलस के थर्ड चैप्टर में सीख चुके हो आप निकालना, कुछ नया काम नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो ये लिमिट निकल गई वन बाई, ये एच डी क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे, देखना उस एक्सरसाइज में, पांच एक्सरसाइज है वो, तो वन बाई, ठीक है, ये आ गया, ये आने के बाद अब मैं देख रही हूँ क्या मैं कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट लगा सकती हूँ, ये देखना पड़ेगा, और वो कब लगेगी, ए एन पॉजिटिव टर्म सिक्वेंस होनी चाहिए आपके पास, तो मैंने ये देखा कि ए एन जो हमारी सीक्वेंस है क्या वो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, तो है, देख लिया, चेक कर लिया हमने 1 2 3 4 पुट करके, फिर उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है फाइनाइटली, अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोल देंगे ये लिमिट और ये लिमिट इक्वल है, ये दोनों लिमिट इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या आ गई वन बाई, ये वैल्यू वन बाई आ गई, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया ए एन की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी, पुट करने के बाद जो इवन था जहाँ से एग्जाम्पल नंबर एक तक कर लोगे, एग्जाम्पल नंबर एक तक कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पे बेस्ड ही है, जो एग्जाम्पल नंबर एट है ना वो इसी पे बेस्ड है, और उससे पहले एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ तक मैं करा चुकी हूँ आपको, जो कि कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पे बेस्ड थे और स्क्वीज प्रिंसिपल पे, ठीक है, और 6 7 8 जो है आपके वो कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पे है, जिसका मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, आप ट्राई कर लें। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ना
वो थ्योरम ही है ये मान लो, ठीक है। देखो प्रूफ, देखो इसका, स्टेटमेंट में क्या दिया मैंने, इफ ए एन सीक्वेंस है आपकी जो कि कन्वर्ज कर रही है एल वन, ठीक है, एंड बी एन सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज कर रही है एल टू, तो आपको प्रूव करके दिखाना है। देन क्या प्रूव करना है कि सी एन बाई एन ये जो सीक्वेंस आएगी ना ये कन्वर्ज करेगी किसको, एल वन एल टू को, जहाँ पर आपका सी एन जो गिवन है ना, वेयर सी एन, सी एन क्या दे रखा है, ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस अप टू टेन प्लस ए एन बी एन, ये है आपका, ठीक है। क्या कहा गया है स्टेटमेंट में, ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एल वन को, ए बी एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एल टू को, देन हमें प्रूव क्या करके दिखाना है कि जो सी एन बाई एन सीक्वेंस बनेगी ना जो वो एल वन एल टू को कन्वर्ज करेगी, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। जहाँ पर सी एन उसने बता दिया सी एन क्या है, सी एन क्या दे दिया, ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस अप टू सोन ए एन बी वन, ठीक है। अब देखो किस तरह से हम प्रूव करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो सी एन बाई एन, सी एन बाई एन, सी एन बाई एन क्या बनेगा बच्चों, सी एन की वैल्यू लिख करके देखो, ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस ए एन बी वन अपॉन सी एन बाई एन की वैल्यू यही है, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी ना वो एल वन एल टू को कन्वर्ज कर जाए, मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू तो इसके इक्वल है, यहाँ पर भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है आपको, एल वन एल इसके इक्वल प्रूव करके, ठीक है। अगर ये आ गया आपके पास तो आप बोल देना कि सी एन बाई एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एल वन एल। अब देखो ये प्रूव करने के लिए गिवन क्या है आपके पास कि ए एन सीक्वेंस एल वन को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल वन है, ठीक है। और क्या गिवन है कि बी एन सीक्वेंस एल टू को कन्वर्ज कर रही है, मतलब यहाँ से बी एन एल टू को कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू एल टू, ये गिवन है हमारे पास और ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, जो गिवन होने का यूज कर सकते हैं, है ना। आप देखो अगर ये मतलब सेपरेट हो जाएंगे टर्म्स तो हम इजीली इनका यूज कर देंगे और एल वन एल टू आ जाएगा, ठीक है। या तो मेरे पास क्या हो जाए, देखो अगर ये सीक्वेंस एल वन को कन्वर्ज कर रही है तो कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है बच्चों, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट ये कहती है कि अगर आपके पास बी एन जो है ना, बी एन क्या हो, ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू प्लस ए एन बाय एन, ये जो सीक्वेंस है ना यही है, ये भी L1 को कन्वर्ज करेगी, यही है आपके पास। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है कि ये सीक्वेंस अगर L2 को कन्वर्ज कर रही है तो B1 प्लस B2 प्लस अप टू फोन प्लस Bn अपॉन N, ये जो सीक्वेंस होगी ये भी L2 को कन्वर्ज करेगी, है ना। तो यहाँ से मैं इनका यूज कैसे करूँ, ये तो A1 Bn है, A2 Bn माइनस वन है, इस तरह की टर्म्स है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो इन टर्म्स को अगर मैं इस तरह से लिखूँ एल वन और साथ में बी वन प्लस बी टू प्लस अप टू फोन बी एन अपॉन अपॉन एन, ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये तो
और ये कन्वर्ट कर रही है L2 को, तो जब यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या L1 L2। यहाँ से जब आप लिमिट लगाओगे एंड टेंड्स टू इनफिनिटी तो इसका आंसर आपके पास L1 L2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ तक पहुँचना है ना, पर सी एन बाई एन तो ये नहीं है, सी एन बाई एन तो इसके इक्वल है, अपॉन में एन तो है, बट यहाँ पर एल वन बी वन यहाँ पर तो कुछ और है, ए एन बी एन बी वन है ना। तो हम इसको इस टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम प्रूव कर सके। देखो यहाँ से हम एल वन एल टू का यूज नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे ना, तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे, या तो ये करो आप या फिर क्या करो, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ये ले लो अपॉन एन इन टू एल, या ये ऑप्शन हो सकता है आपका, ये किसके इक्वल आएगा, एल वन एल टू, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बनेगी ये एल वन को कन्वर्ट कर रही है और साथ में एल टू है, क्लियर। तो दो ही तरीके हैं यहाँ से, या तो इस तरह से करो या इस तरह से करो, हम इस तरह से करेंगे। तो देखो ये जो है सी एन बाई एन ये इसके इक्वल आया है, अब मुझे इसको इस टर्म में लिखना है, इस टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी एन बाई एन इसके इक्वल हो चुके ए एन ए वन सॉरी बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस प्लस ए एन बी वन बाई एन इसके इक्वल, और मुझे लिखना किस तरह से है, एल वन बी एन प्लस एल वन बी एन माइनस वन प्लस प्लस एल वन बी वन बाई एन, ये क्रम तो मुझे चाहिए, ठीक है, ये ड्रम तो मुझे चाहिए प्रूव करने के लिए, ये ड्रम मैंने लिख ली। तो अब कुछ ना कुछ और भी तो होगा यहाँ पे, क्योंकि जो ए एन है वो तो एल को एल वन को कन्वर्ज कर रही है, उसकी सारी की सारी ड्रम्स एल वन के नज़दीक जाती जा रही है जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, यही है। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, देखो ए वन बी एन, अगर मेरे पास एक नंबर है फाइव, समझाने के लिए वैसे बता दूँ फाइव है, तो उसको मैं टू प्लस थ्री भी तो लिख सकती हूँ, वन प्लस फोर भी तो लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसे ना लिखना हो किसी बच्चे को तो सिक्स माइनस वन ही लिखना चाहते हैं तो सिक्स माइनस वन भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि ए वन बी एन इसको मैं लिखना चाह रही हूँ एल वन बी एन प्लस कुछ ना कुछ और भी ट्रम आएगी ना, उस ट्रम को मैंने बोल दिया अल्फा वन, लिख सकते हो। सिमिलरली क्या करोगे ए टू बी एन माइनस वन, देखो ध्यान से समझ लेना बेटा, वैसे रटना पड़ेगा तुम्हें प्रूफ में, देखो यहां से क्या है ए वन बी एन इसको मैं लिखना चाह रही हूँ इस ट्रम में, मतलब ये दो हुई तो कुछ ना कुछ ट्रम और होगी ना आपकी, वो ट्रम मैंने मान ली अल्फा अल्फा वन बी एन, क्योंकि ये ए वन है ना तो अल्फा वन ही मान लो ताकि वो एक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ट्रम क्या है आपके पास ए टू बी एन माइनस वन, इसकी जगह पर मुझे क्या लिखना है, ये तो चाहिए ना L1 B n बी एन माइनस वन, तो इसमें कुछ और टर्म भी होगी जरूर है ना, क्या होगा अल्फा टू बी एन माइनस वन, फिर अब कुछ और लास्ट में क्या है ए एन बी वन, ए एन बी वन यहाँ पर इसकी जगह पर मुझे क्या लिखना है L1 B1, बी वन तो कुछ और टर्म भी दोगी ना साथ में, वो अल्फा एन बी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या लिखा है मैंने, अगर मैं ए एन को लिख दूँ बच्चों, ए एन क्या लिखूँ एल वन प्लस एल फाइव फॉर ऑल
एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग कर रखे ना वो यहाँ से करो। समझ आ गया ये क्यों लिया है, क्यों मान के चले हैं? तो देखो अब स्टार्ट कर दो। हाँ अब तक तो मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि क्यों ले रहे हैं, मतलब कैसे हाँ नहीं कैसे स्टार्ट करना है, नहीं किस क्यों अच्छा। लिया है, प्रूफ तो हो ही गया, इन टर्म्स का तो यूज करना है। देखो लेट क्या मानते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू एल वन प्लस एल फाइव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है ये ले लिया। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो ये जो सीक्वेंस आएगी ना मेरी अल्फा एन जो सीक्वेंस आएगी, टर्म्स मतलब अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन है ना, वो किसको कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और ये भी निकालने से पहले याद ना रखना पड़े, ये भी याद ना रखना पड़े तुम्हें, तो क्या करोगे, क्या प्रूव करना है आपको, सी एन बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एल वन एल टू, ये प्रूव करके दिखाना है एल वन एल टू है ना। तो इसके लिए मैं ये लेके चली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन की क्या वैल्यू बच्चों प्लस अप टू फोर प्लस ए एन बी वन अपॉन एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर लेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन की वैल्यू पुट करोगे तो एल वन प्लस एल्फा वन बी एन, प्लस ए टू की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से तो एल वन प्लस एल्फा टू बी एन माइनस वन, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस ए एन की वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों एल वन प्लस एल्फा एन वो साथ में है बी एन अपॉन एन, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। एल वन की से मल्टीप्लाई होगी प्लस अल्फा वन की से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से हमारे पास आएगा एल वन बी एन, फिर ये एल वन वाली प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे एल वन बी एन माइनस वन, फिर प्लस अप टू फोर प्लस एल वन बी वन अपॉन एन, और फिर यहाँ से प्लस अलग से लिमिट लगा सकती हूँ ना, लिमिट एन प्लस में है प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा अल्फा वन बी एन, फिर प्लस अल्फा टू बी एन माइनस वन, फिर प्लस अप टू फोर अल्फा एन बी वन अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एल वन तो कॉमन आ गया है ना, और यहाँ से बी एन प्लस बी एन माइनस वन प्लस एन प्लस बी वन अपॉन एन, सिर्फ इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ बाद में इसको प्लस ये एल टी ये एल टी जो है अल्फा वन बी एन प्लस अल्फा टू बी एन माइनस वन प्लस अप टू फोर प्लस अल्फा एन बी वन अपॉन एन, ठीक है। अब देखो यहाँ से एल वन तो एज इट इज, और ये जो है इसकी वैल्यू देख लो आप, इसकी वैल्यू अभी मैंने बताया था आपको, ये रहा लिखा भी हुआ है आपके पास गिवन है, यहाँ से ये लिखना है गिवन है बी एन सीक्वेंस आपकी एन टू को कन्वर्ट कर रही है, अगर बी एन सीक्वेंस एल टू को कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन किसके इक्वल आ जाएगा एल टू के, और यहाँ से हमने क्या किया कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का यूज किया, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ये सीक्वेंस एल टू को कन्वर्ज कर रही है ना तो इसकी पहली एन टर्म्स को ऐड करो और अपॉन में एन कर दो, वो जो सीक्वेंस बनेगी ना वो भी एल टू को कन्वर्ज करेगी, तो यहाँ से आ गया हमारे पास बी वन प्लस बी टू प्लस अप टू बी एन अपॉन एन, ये जो सीक्वेंस बनी है वो एल टू को कन्वर्ज कर दी। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ,
कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी वन प्लस बी टू प्लस अप टू बी एन बाई एन इज इक्वल टू एल टू लिख सकते हैं। अब इसका यूज यहाँ पर ठीक है, इस लिमिट का आंसर मेरे पास एल टू आया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने यूज किया तो ये आ गया एल वन तो नहीं, एल टू प्लस ये टर्म है, ये टर्म क्या है आपकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एल का वन प्लस एल का टू बी एन माइनस वन प्लस अप टू फोर एल का एन बी वन बाय। ठीक है, अब देखो आपको तो क्या प्रूव करना था कि जब सी एन बाय एन सीक्वेंस है वो एल वन एल टू को कन्वर्ट कर जाए, और उसके लिए तो सिर्फ ये प्रूव करना था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन बाय एन एल वन एल टू आ जाए, है ना। यहाँ पर तो क्या आ गया एल वन एल टू प्लस कुछ और आ गया, तो ये जीरो प्रूव करना पड़ेगा ना आपको। अब सिर्फ इतना प्रूव करना रह गया कि ये जो लिमिट है ना इसका आंसर हमारा जीरो आएगा, या फिर मैं ये बोल दूं कि ये जो सीक्वेंस बनेगी ना ये जीरो को कन्वर्ट करेगी या नल सीक्वेंस बनेगी, तो प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एल्फा वन बी एन प्लस एल्फा टू बी एन माइनस वन प्लस अप टू फोर प्लस एल्फा एन बी वन अपॉन n, है ना। ये मुझे जीरो के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना है इस लिमिट का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें बच्चों, मेरे पास बी वन क्या क्या है देखो, एक तो बी एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एल टू को कन्वर्ट कर रही है, और यहाँ पे ए एन सीक्वेंस तो है ही नहीं, यहाँ पर तो एल्फा एन सीक्वेंस हो रहा है साथ में ना, तो आप क्या देखो कि एल्फा एन सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है, इसीलिए वो लिमिट यहाँ पर पुट करके दिखा रखी है फर्स्ट स्टेप पे ही, कोई जरूरी नहीं आप यहाँ पर। ठीक है, क्या करोगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल वन तो एन इज इतना जाएगा प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एल्फा n, और यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये एल्फा n इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से इस लिमिट का आंसर है आपके पास l1, क्योंकि ये n सीक्वेंस l1 को कन्वर्ज कर रही है l1, और इसको भी मैं इधर ले आई तो माइनस l1 ये आ गया जीरो, यहाँ से मेरे पास आ गया कि जो एल्फा n सीक्वेंस है ना वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है या फिर नल सीक्वेंस है। ठीक है, आप देखो इसको जीरो के इक्वल प्रूव करने के लिए अगर मैं ये दिखा दूं, यहां तक आ गया ना कि अल्फा एन सीक्वेंस नल सीक्वेंस बन गई हमारी, जो अल्फा एन सीक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, यहां पर बी एन सीक्वेंस दिख रही है ना, तो बी एन सीक्वेंस हमारी L2 को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन मुझे L2 का तो कोई यूज करना ही नहीं है क्योंकि ये चीज़ तो मैंने प्रूव करी थी, मुझे तो ये जीरो के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, L2 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी, बाउंडेड होगी तो इसका मतलब एक ऐसा के जरूर एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव सच दैट मोड बी एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल n n बिलोंग्स टू नेचुरल होगा। अब मैं इस चीज का यूज करना चाह रही हूँ, देखो इस चीज का यूज क्यों करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एल्फा n क्या आ चुका है नल सीक्वेंस आ गई है ना, और इन टर्म्स की जगह पे अगर मैं k पुट कर पाऊँ किसी तरह से तो k कॉमन निकाल दूंगी सबसे, और फिर एल्फा n तो कन्वर्ज कर ही रहा है जी। तो यहाँ से देखो इसका यूज करेंगे हम, इसका यूज करने के लिए ये तो मोड है, मोड है तो हम क्या करें लिमिट की फॉर्म में ना देख के इस लिमिट का आंसर मैं देखूंगी, पर मैं ये वैल्यू निकाल रही हूँ एल्फा वन बी एन प्लस एल्फा टू बी एन माइनस वन प्लस अप टू फोर प्लस एल्फा एन बी वन, बस अपॉन एन भी लिखना चाहो तो लिख लो,
ये लो ठीक है, और ना लिखना चाहो तो एन को वन एन को कर लेना ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब मोड की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बच्चों। क्यों करेंगे मोड की प्रॉपर्टी का यूज? क्योंकि यहाँ से मेरे पास आ गया बी वन लेस देन इक्वल टू के, मोड बी टू लेस देन इक्वल टू के, अप टू मोड बी एन लेस देन इक्वल टू के, ठीक है, इनका यूज करना है मुझे। तो इसलिए मोड की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास? मोड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आप। अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे बच्चों तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे इसको दिखा दो, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी सी एन वाई एन, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। सीक्वेंस वाली टर्म्स का यूज करें, हाँ जीरो ही आ जाएगा। देखो नल सीक्वेंस वाली जो थ्योरम हमने की थी ना उनका यूज करके, अगर आपके पास पहली ए एन एक सीक्वेंस है जो कि नल सीक्वेंस है यानी जीरो को कन्वर्ट कर, तो इफ एंड ओनली उनका रिजल्ट था बच्चों कि जो मोड ए एन सीक्वेंस बनेगी ना वो भी जीरो को कन्वर्ट करेगी। इसका मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, है ना। फिर एक थ्योरम है कि अगर आपके पास ए एन, अगर आपके पास बी एन, बी एन नल सीक्वेंस ठीक है और साथ में ये लिखा हुआ है ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, देन ए एन जो होगी ना वो भी आपकी नल सीक्वेंस ठीक है। एक ये थ्योरम है नल सीक्वेंस की, उसमें एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 में की होगी तो आपने ए एन जो सीक्वेंस है ना, अगर ये नल सीक्वेंस है ना देन और के कोई भी कॉन्स्टेंट है, एन के इज ए कॉन्स्टेंट, देन जो के ए एन सीक्वेंस बनेगी ना वो भी नल सीक्वेंस ठीक है। अब इन थ्योरम्स का यूज करते हैं। देखो इन थ्योरम्स का यूज करके क्या आ जाएगा,
पहली चीज़ को देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ आपके पास कि मोड एल बाय एन सीक्वेंस नल सीक्वेंस आ चुकी है, मेरे पास आ चुकी है, अभी दिखाया था ना, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इस थ्योरम का यूज़ करके मोड एल बाय एन जो ये सीक्वेंस बनेगी ये भी जीरो को कन्वर्ज करेगी। अगर ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो बाई कोशी फर्स्ट थ्योरम मोड लिमिट, बाई कोशी फर्स्ट थ्योरम मोड लिमिट क्या आ जाएगा, मोड अल्फा वन प्लस अप टू सोन मोड अल्फा एन बाय एन ये जीरो को कन्वर्ज कर, तो यहाँ से अपॉन में ये जो सीक्वेंस बनी वो जीरो को कन्वर्ज कर गई। अगर ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर गई तो के मल्टीप्लाई में है तो जो के ए एन सीक्वेंस बनेगी वो भी जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी, वो जीरो को कन्वर्ज कर गई तो यहाँ से क्या आ जाएगा जीरो। ये अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊँ तो इस लिमिट का आंसर क्या आ गया जीरो, या फिर यहाँ से ये लेस देन इक्वल टू, मतलब ये इससे है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया जीरो, है ना, मतलब ये चीज लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई। अब ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई लेकिन ये तो किसी भी टर्म का मोड है पॉजिटिव, और मोड तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है, और यहाँ से मैं कह रही हूँ लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, और ये वैल्यू भी जीरो के इक्वल आ गई, इसका मतलब एल वन एल टू बच गया, ये जो लिमिट है ये जीरो, यही हमें प्रूव करना था, ये जीरो आते हैं यहाँ पर जीरो पुट कर दो आपके पास ये आ गया इंडिपेंडेंट टेस्ट बिटवीन सी एन बाय एन इज इक्वल टू एल वन एल टू, और यहाँ से आप लिख दोगे कि जो सीक्वेंस है सी एन बाय एन वो एल वन एल टू को कन्वर्ज करेगा। लिख के दिखाऊँ या आ गया समझ, आ गया ये जो